से पहले आपको समझना होगा कि आपके सेल में एक एक्टिविटी होती है और जो उस एक्टिविटी का नाम है सेंट्रल डॉगमा। क्या नाम है? सेंट्रल डॉगमा। सोना नहीं है, क्या बोलना है? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। तो बाज़ाहिर आपको जो सेल इतना सा दिखता है, जो दिखता भी नहीं है, देखना पड़ता है ना, उसके अंदर एक्टिविटीज होती है और वही एक्टिविटीज आपको जिंदा रखी है। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके सेल के अंदर जो होती है वो है ट्रांसलेशन। थर्ड एक्टिविटी जो सेल में हो रही है वो है, वेरी गुड, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। पहली एक्टिविटी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? ट्रांसलेशन। थर्ड एक्टिविटी क्या है? ट्रांसलोकेशन। ये सब कहाँ हो रहा है? आपके सेल के अंदर, हर सेल में ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये होता है आपके न्यूक्लियस में, याद रखो, न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन जो होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन का मतलब मूवमेंट होता है, ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, जहां पे चाहिए होता है वहां पे इसका मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आरएनए के टाइप्स पता होना चाहिए। डीएनए का मतलब पता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलना है? अच्छा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, है क्या? नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए जेनेटिक है कि किसी किसी के लिए? सबके लिए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इंसान के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वायरस के लिए नहीं। वायरस में डीएनए जेनेटिक नहीं होता, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, ठीक है। वायरस क्या चीज है? लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग? इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन। जम किया तो पाकिस्तान, पीछे आया तो इंडिया, ठीक है। तो किसी के बॉडी में घुस गया तो लिविंग थिंग, बॉडी से बाहर निकल गया तो नॉन लिविंग थिंग। कौन? वायरस। इसलिए वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपकी बॉडी चाहिए रहती है, ये तो हवा में भी मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है। तो वायरस को जब कभी मल्टीप्लाई करना होता है, आपके बॉडी में आता है, आपके डीएनए पे हमला करता है और डीएनए को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अंडरस्टूड। और बॉडी के बाहर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं हो ही नहीं सकता, तो ये लिविंग कैटेगरी में नहीं आता है। तो वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बट फ्यू वायरसेस कैन हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर वायरस का डीएनए जेनेटिक नहीं है तो उनका आरएनए जेनेटिक होता है, और अपने केस में आरएनए जेनेटिक नहीं होता है। आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है एमआरएनए, नेक्स्ट क्या होता है? आरआरएनए, फिर क्या होता है? टीआरएनए। टीआरएनए ये सब नाइन्थ का था आपका? टेंथ में ये सब है नहीं, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, काम की चीज है। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, क्या बोलना है? और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप आपका टाइप्स ऑफ आरएनए, जहां पे एक मैसेंजर आरएनए है, नेक्स्ट राइबोसोमल आरएनए है और एक ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। ट्रांसफर के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसा, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में स्ट्रक्चर उसका ऐसा भी मिलेगा। ये स्ट्रक्चर किसी की तरह दिखता है आपको? मराठी का चाय। मेरे को तो लगा तू लड़कियों के बालों की जो पिन होती है वो बोले। यस।
उसको बोलते हैं हेयर पिन, क्या बोलते हैं इसका नाम ही है वो हेयर पिन मॉडल, उसकी तरह दिखता है वो, है ही नहीं वो, लगा मत लेना, ठीक है। हेयर पिन मॉडल, क्या बोलेंगे हेयर पिन मॉडल, ठीक है। हेयर पिन मॉडल में कौन सा आरएनए होता है, टी आर एन ए बोलने, ट्रांसफर आ रहा है। हेयर पिन मॉडल का कौन सा आर एन ए, टी आर एन ए, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके डीएनए को यूज करके, डीएनए को यूज करके मैं बनाऊंगा एमआरएनए, क्या बनाऊंगा एमआरएनए, और एमआरएनए को यूज करके मैं बनाऊंगा प्रोटीन, क्या बनाऊंगा प्रोटीन। ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, आपके सेल के अंदर, सेंट्रल डॉग्मा, सेल में ये एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलना है ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और फिर ये प्रोटीन को जहां जाना है वहां पे जाएगा, वो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद एक म्यूटेशन टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सुनने को अच्छा लगता है, 5 मिनट बोले ट्रांसक्रिप्शन को जाएगा, 5 मिनट ट्रांसलेशन को जाएगा और 5 मिनट म्यूटेशन को जाएगा, 15 मिनट में लेक्चर खत्म, ठीक है। पूरा 1 घंटा लूंगा इसको एक्सप्लेन करने, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पूछूंगा अभी कि मैंने जो पढ़ाया आप दोहराओ उसको, उसके बाद में घर पे जाने मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, डीएनए आरएनए बोलिए सर, ये डीओआईआरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, फुल फॉर्म लिख दी, दूसरा बोलो दूसरा पॉइंट बताओ सर, ये जेनेटिक मटेरियल, वेरी गुड। अभी आप मत बोलो जरा, बाकी लोगों को भी मौका दो, उन लोग बोल रहे हैं कि आप बोल दे तो हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये जेनेटिक है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होएगा, और ये वाला नॉन जेनेटिक है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता, समझ में आया। और पॉइंट बताइए, अब बताइए सर, वही बोलने वाला, देखा मैं बोला था तेरे, और दूसरे पॉइंट्स एनीवन, नहीं। डीएनए को हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, और आरएनए हम लोग ऐसा सिर्फ सिंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अलावा डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसमें एडिनाइन, थायमाइन, ठीक है, वेयर एज इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसमें एडिनाइन टी की जगह पे यू रहता है, यूरैसिल, और बाकी सब सेम रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, डीएनए में थायमाइन होता है, आरएनए में यूरैसिल होता है, थायमाइन, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, समझ में आया। इसके अलावा डीएनए हेलिकल होता है, कॉइल्ड है ना, ट्विस्टेड है, रस्सी देखिए कैसा ट्विस्ट रहती है, ठीक है, तो ये ट्विस्टेड बोल सकते हो, हेलिकल बोल सकते हो, ठीक है, कॉइल वर्ड मत यूज करो, और ये स्ट्रेट होता है, या अनट्विस्ट भी बोल सकते हो, स्ट्रेट, ठीक है। इसमें पता है पेयरिंग होता है हाइड्रोजन से, पेयरिंग होता है, सो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस आर पेयर्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस आर अनपेयर्ड, इसमें पेयरिंग नहीं होता है, बस हो गया, एग्जाम में 4 से ज्यादा नहीं लिखना है,
सर ऐसा लिख सकते हैं इसकी थ्री टाइप्स, इसका एक ही टाइप? नो टाइप्स, थ्री टाइप्स लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये समझ में, देख के समझ में आ जाएगा। डीएनए से क्या बना? आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे? और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या बोलेंगे? डीएनए डबल है, आरएनए सिंगल है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन। यहाँ पे एंजाइम्स के नाम भी आपको याद करना है। रेप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या रहता है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ एक्टिविटी दिया रहेगा और जी यहाँ पे लिखा रहेगा ए और इधर लिखा रहेगा बी और सॉरी यहाँ पे एक और बॉक्स रहेगा और उसमें लिखा रहेगा सी। क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ए बी सी। ठीक है, जैसे कि कल एग्जाम है और आज मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, और कल सुबह 11 बजे का एग्जाम है, पहले पेज पे ये क्वेश्चन आ गया। आप मेरे वीडियोस देखो पुराने, एग्जाम के एक दिन पहले पोस्ट किया ये वाला क्वेश्चन, पहले पेज पे ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओवर टाइम पे किसी भी बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया भी नहीं था, ऐसा मतलब ऐसा एक्टिविटी बना के सेम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया। तो अब बताओ क्या आएगा एक ही जगह पे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वो लिख लेना आप, ट्रांसक्रिप्शन 2019 की बात बता रहा हूँ। फिर बताओ बी वाला क्या है? ट्रांसलेशन। वो टाइम पे नया सिलेबस आया था। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं प्रोटीन को ही सी रहे, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, डब्बा उधर भी डब्बा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट आपको पता होना चाहिए पहला वाला डीएनए, फिर एमआरएनए, फिर उसके बाद में प्रोटीन रहने वाला है। फिर ए के जगह पे क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्शन। बी के जगह पे क्या आएगा? ट्रांसलेशन। सी के प्लेस पे क्या आएगा? प्रोटीन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए कुछ चाहिए एंड दैट्स कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। उसके बिना नहीं होगा। कैसे होगा वो बताऊंगा मैं अभी, बट एंजाइम्स का नाम याद रखना है। ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम्स नहीं रहेगा तो ट्रांसलेशन इज इम्पॉसिबल। ओके, और डीएनए को ओपन करने के लिए, ठीक है, ओपन करके उसको मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए जी? डीएनए पॉलीमरेज। अभी यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है डीएनए से डीएनए बना, मतलब एक डीएनए था दो डीएनए बन गया। तो जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, सो कन्वर्ट या फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनटू डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम्स दिए हुए ये आपके टेक्सचुअल डायग्राम्स दिए हुए, बट इससे इतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है, तो उसके लिए मुझे मेरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आपका क्या है? क्या है? डीएनए।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा ड्रॉ करता हूँ, क्या है डीएनए। अब यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा, ये डीएनए ट्विस्टेड है, कॉइल्ड है, इसको अनकॉइल करेगा। जब ये अनकॉइल हो जाएगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट दिखेगा, समझ में आया। अब एक एंजाइम होता है जो आकर के इन दोनों के बीच में कैची का काम करता है, काटने का, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में कैची का काम करेगा तो कुछ इस तरीके से बीच में गैप आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अभी तक बॉन्डेड था, अब बीच में गैप आ रहा है तो ऐसा फूल जाएगा, तो अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, लाइक दिस। यहां पे बॉन्ड है, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो गए, समझ में आया, ठीक है। अब मान लो यहां पे था ए टी सी ए टी जी सी, इसका अपोजिट क्या रहेगा, ए का अपोजिट टी का अपोजिट सी का अपोजिट ए का अपोजिट टी का अपोजिट जी का और फिर उसके आगे ये मैंने रैंडमली लिखा है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ऊपर जो लिखा है उसका मैच करके नीचे लिखा है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बोला डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। अब इसके प्लेस पे ए का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा टी, क्या जाएगा टी, टी। आप बोलेंगे कहाँ से आएगा, तो ये पूरा न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब टी का अपोजिट क्या होएगा, बट ए तो एमआरएनए में, तो यहाँ पे क्या आएगा यू। सी का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है टी, बट टी नहीं आएगा, क्या आएगा यू, फिर टी का ए, फिर जी का सी, फिर सी का जी। ये जो बना ना इसी को बोलते हैं एम आर एन ए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, एक बार देख लो उसको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़, ठीक है। एक बार वापस बता दूं ये, डीएनए कॉइल था, स्ट्रेट हो गया, बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, बबल आ गया। अब ये जो सीक्वेंस है इसके अपोजिट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये मैं आपको 5-10 मिनट बता दियो, बट जब 12th को ये टॉपिक चलता है ना तो 2-3 घंटा लगता है समझाने के लिए, इतना डिटेल में ये, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी क्योंकि आपके लेवल की है ही नहीं, तो जितनी काम की है उतनी बता रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक में तो इतना भी नहीं दिया है आप रीड करोगे तो, बट एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। तो बबल आ गया, उसके बाद में ए का अपोजिट टी का अपोजिट ए होता है, बट यहाँ पे क्या रहेगा यू, तो ये पूरा सीक्वेंस बन गया। अब क्या होएगा, बनने के बाद में इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और सिलेक्ट, अच्छा चलो ये वाला पूरा जो सेगमेंट है ना ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। वो उठ नहीं रहा है पूरा साथ में, टी उसके बाद में यू फिर जी फिर यू फिर ए फिर सी और फिर जी, और इस पूरे सेगमेंट को आप लोग क्या बोलेंगे, एम आर एन ए। अब जब ये पूरा एम आर एन ए नीचे आ गया, ठीक है, इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये पूरा एम आर एन ए कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब ये जो बबल था ये आस्ते आस्ते बबल वापस से स्ट्रेट हो जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो बीच के गैप्स है ये गैप्स भी इसके फिल हो जाएंगे, और फिर ये डीएनए वापस से डीएनए रहेगा, डीएनए डैमेज नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, किसको समझ में नहीं आया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि 2-4 दिन में पूछूंगा और फिर फोड़ूंगा मैं। सर यू का मतलब यू इज फॉर यूरैसिल,
जैसे ए एडिनाइन है, टी थाइमाइन है, वैसे यू यूरासिल है, बट वो किस में होगा? एम आर एन ए में, जितने भी आर एन ए सब में रहेगा। ये जो है ना इसी में पेरिंग आ जाएगा, सेम रहेगा, बनेगा नहीं, वही है वो, कुछ बन नहीं रहा है, जो था वही ओरिजिनल है। हाँ, ए बनने के लिए फटता है, समझ में आया? फिर आप बोले थे ए और टी का मतलब टी अपोजिट है, लेकिन टी इसमें नहीं होता तो यू आएगा ना? हाँ, उसमें यू आएगा। तो जब पहला वाला तो फिर यू होना चाहिए। कौन सा? इसमें? हाँ, ये तो डीएनए है ना। हाँ, ये तो डीएनए है ना, समझ में आया? सिर्फ एमआरएनए के अंदर यू रहेगा, टी की जगह है, ठीक है, टी की जगह पे, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, टी की जगह पे क्या रहेगा? यू रहेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो अब एक स्लाइड पीछे आता हूँ। एम एम आर एन ए क्या है? एम आर एन ए, देखो ना क्या है, ए यू जी। हमेशा याद रखो mRNA पे जो तीन तीन की ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको? कोडॉन। कोडॉन मतलब ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलना है? ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA इज कॉल्ड एज कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको? कोडॉन। समझ में आया? ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड ऑन द mRNA इज कॉल्ड एज कोडॉन। ठीक है, कोडॉन, कोड, एक कोड लैंग्वेज है। क्या प्रोड्यूस करने का है उसकी लैंग्वेज है। समझ में आया? कौन सा प्रोटीन बनाने का है उसकी लैंग्वेज है। ये अपने समझ में नहीं आएगा, लेकिन खाली इतना याद रखना है कि हर कोडॉन का एक अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से बना है, ठीक है। और टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में? याद रखो, जनरल नॉलेज है, टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड नेचर ने बनाए आपके लिए। कितने? 20 टाइप्स। प्लांट्स में भी देखेंगे तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। बैक्टीरिया में भी 20 रहेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? 20। लेकिन प्रोटीन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो 20 नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आप बोलेंगे सर अगर अमीनो एसिड 20 टाइप के हैं तो प्रोटीन भी 20 टाइप का होना चाहिए। हाँ, है ना। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं? बट उसको यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो, कितने स्टेटमेंट बना सकते हो, कितनी बुक लिख सकते हो। तो वर्ड हालांकि कम है, अल्फाबेट कम से, बट आप इन्फिनाइट वर्ड्स उससे जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली अमीनो एसिड 20 है, बट 20 को अलग अलग कॉम्बिनेशन करके इन्फिनाइट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। आपके डीएनए पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिंदगी की शुरुआत से लेके जिंदगी की आखिरी तक पूरी इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। कब कौन सी बीमारी होने वाली वो भी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, ठीक है, पूरी भविष्यवाणी के देखते हैं ना वैसा, और डीएनए में सब कुछ रहता है। बट उसके लिए एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी, मैं नहीं बताऊंगा ना, आप लोग सिर्फ 10वीं का पढ़ेंगे। समझ में आ गया ये? तो जो मैंने ड्रॉ किया था और यहाँ पे ऐसा भी मैंने रखा है, ठीक है, एक कॉइल स्ट्रक्चर है, ए टी टी ए सी जी, ए टी टी सी जी सी, समझ गया ना ये। फिर उसके बाद में बबल आ गया, ब्रेक हो गया, अब टी का अपोजिट यू का अपोजिट सॉरी ए का अपोजिट टी होता है, बट यहाँ पे क्या आएगा? तो वैसे इस तरीके से पूरा बनता चला जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम आर एन ए। और बनने के बाद में क्या आ जाएगा? बाहर देखा, वहां पे भी ए यू जी था और यहाँ पर भी ए यू जी है, ये देख लिया ए यू जी, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ए यू जी, ऑगस्ट, याद रखो।
mRNA में सबसे पहले AUG ही रहेगा, अगस्त, और अगस्त अगस्त मतलब वो आपका मंथ वाला अगस्त नहीं, याद कर रखने के लिए बोल रहा हूँ, AUG, ठीक है। और ये एक कोडॉन है, क्या ये कोडॉन है, ठीक है, क्या ये कोडॉन, और कोडॉन में किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो AUG है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है मिथियोनिन के लिए। आप बोलेंगे आपको कैसा मालूम, मेरे को याद है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ा रहा हूं तो बताना पड़ता है। AUG किसकी इंफॉर्मेशन लेके आता है, मिथियोनिन। इस तरीके से टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, कितने 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। बोले आपको कैसा मालूम पड़ा, तो टोटल टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने, ए यू सी जी, और कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 4:3, 12 का सवार है, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 64 टोटल कोडॉन्स कितने होते हैं, 64 कोडॉन्स होते हैं, ये फॉर्मूले से निकाला मैंने, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 5 हो गया तो 5:2, वो 6 हो गया तो 6:3, हर याद करोगे क्या, हर एक नहीं ना, नहीं। दिमाग का भी यूज करोगे, समझ में आया। 60 में से एक स्टार्टिंग होता है AUG वाला, और 3 नॉनसेंस होते हैं, नॉनसेंस उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। आपका ट्रांसक्रिप्शन चालू हुआ, ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 मतलब 64 में से 3 गया, 61 बचा, ठीक है, याद है तो जनरल नॉलेज के लिए, भूल गए तो एग्जाम में आएगा नहीं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हो गया अपना, ट्रांसलेशन तक हो गया, गुड। ये आपका सेल का एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए के 3-3 ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोडॉन। एमआरएनए बन गया, बाहर आ गया, ठीक है, और बाहर आने के बाद दिख रहा है ये सुराग, दिखा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो तो मेम्ब्रेन, पूरा मेम्ब्रेन है, पोर, छेद, सुराग, सुराग को क्या बोलते हैं, पोर, बराबर है ना, इधर पोर होते हैं ना चमड़ी में, सुराग होते हैं, पोर्स होते हैं, पोरस होता है, वैसे ये पोर है। और ये एमआरएनए जो यहां बना है वो अब कहां जा रहा है, न्यूक्लियस के बाहर जा रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म में जा रहा है। तो मुझे बताओ एमआरएनए का जन्म भूमि किधर है, क्वेश्चन आता है, एमआरएनए इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में उसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद उसको जाना कहाँ है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, याद है वो पॉइंट बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, एमआरएनए बनता है कहाँ, न्यूक्लियस में, और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अभी साइटोप्लाज्म में हुआ, ट्रांसक्रिप्शन अपना पढ़ा के खत्म हो गया, अब मैं स्टार्ट करूंगा ट्रांसलेशन, क्या स्टार्ट करूंगा, ठीक, आधा घंटा लगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है, और अब 20 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, और 10 मिनट म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स, 3-3 का ग्रुप, एज पर अ मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड, ऐसा समझ में नहीं आता है ना, मैं समझा देता हूँ। अभी अपने पास है टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है ना, तो थोड़ा सा ले रेड कलर सर,
एक तो इतना हुडी वुडी पहन के आया गर्मी के मौसम में, अगर मुर्गी के अंडे पे बैठेगा तो अंडे चूजे निकल जाएंगे उसमें, इतना वूलन क्लोथ पहन के आया। इधर इधर आ जा, चलो उसको पीछे से कैप भी, एक और कैप लगा ले। एम आर एन ए, भाई तू रुकना जरा इधर देख, ये एम आर एन ए का स्टैंड है और इस पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ए यू जी सी ए ए सी जी यू ए ए, क्या ये एम आर एन ए, क्या है एम आर एन ए, ठीक है। तीन तीन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो ये क्या है कोडॉन, कोडॉन नंबर वन, ये क्या है कोडॉन नंबर टू, ये क्या है एक ए ए, यू ए ए मैंने लास्ट पे पर्पसली रखा हूँ क्योंकि वो लास्ट में ही रहता है, ठीक है समझ में आया है? ये कोडॉन नंबर और ये कोडॉन नंबर, ठीक है। अच्छा ये मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया है ना, बट एक्चुअली बाल बनाते ना मम्मी कंघे में, कैसे बाल आ जाते पूरे कुत्ताड़ा बन के, ये वैसा होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर मैंने कोई पेज में, जैसे कि ये पेज है ठीक है, इस पेज में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है और ये पेज ऐसा है, मैं बोलूँगा इसको रीड करने के लिए, कर पाएगा तो रीड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का काम करता है आर आर एन ए, ठीक है। तो ये ओपन करके करेगा क्या, इसको ऐसा स्ट्रेट करेगा और स्ट्रेट इसको खींच साइड से, पेपर खींच एक साइड से, ये साइड से, हाँ, और इसको स्कैन करेगा ऐसा, समझ में आया कौन आर 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 एन ए, ठीक है। क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा, ठीक है। और स्कैन कर इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले और भी होते हैं जी ए सी ए यू यू, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब ये इसको क्या करने वाला है, स्कैन करेगा और स्कैन करते करते वो अपने आप को रोकेगा उस जगह पे जहां पे ए यू जी रहेगा, स्टॉप नहीं, वहां से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो इसको स्कैन कर रहा है, खींच रहे वापस, ठीक है, स्कैन कर रहा है। अब जैसे ही ए यू जी को देखेगा वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वहां से स्टार्ट होने वाला है क्या, प्रोटीन का फॉर्मेशन, एक्चुअल स्कैन वहां से स्टार्ट होने वाला है, समझ में आया। तो मैंने बताया एयूजी, एयूजी क्या है, कोडॉन है। इस कोडॉन का एक होता है एंटी कोडॉन, कौन सा मॉडल है ये, हेयरपिन मॉडल, किस चीज का, आर आर एन ए, मतलब टी आर एन ए रहेगा, समझ में आया। अच्छा इसके नीचे, इस हेयरपिन के नीचे इसका अपोजिट रहेगा, ए का अपोजिट क्या है, यू, यू का अपोजिट क्या है, जी का अपोजिट क्या है, सी, समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट पक्का। अगर ये कोडॉन है तो उसका उल्टा इसको बोलेंगे एंटी कोडॉन, कोडॉन के अपोजिट को क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। तो इस कोडॉन के लिए जो अमीनो एसिड होता है वो मिथ होता है, मिथियोनिन, क्या होता है मिथियोनिन, ठीक है। अगर आपको मिथियोनिन नाम ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे, तो अमीनो एसिड वन लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको स्कैन कर लिया, उसको जो चाहिए था मिल गया, ये वाला प्रोटीन ये वाला टी आर एन ए निकल जाएगा, फिर वो स्कैनर आगे जाएगा, ये वाले कोडॉन के पास रुकेगा और फिर यहां से दूसरा टी आर एन ए आएगा और वो दूसरा अमीनो एसिड लेके जाएगा, लेके आएगा, कायम यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है। फिर वो आगे जाएगा और फिर यहाँ पे एक और आएगा और यहाँ पे थर्ड अमीनो एसिड आएगा। जैसे ही
ये इसके बाजू में ये आएगा तो इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बॉन्ड बनने के बाद में ये वाला जो है, वापस नहीं बताऊंगा, एक ही बार में समझना, नो बर चुक, ध्यान दो यहाँ पे, हाँ ठीक है। वो गया जहां से आया था, किसको छोड़ के गया? अब इसका बॉन्ड किसके साथ में बनने वाला है? इसके साथ में, और फिर ये भी गया, ठीक है, जहां से आया था वापस चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं है भी। समझ में आया? अब इसके बाद में वो और आगे जाएगा, फिर एक और अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है, और फिर इसका बॉन्ड बन जाएगा, और फिर ये वाला वापस चला जाएगा, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। कब तक चलता चला जाएगा? जब तक लास्ट पे UAA, इसको बोलते हैं स्टॉप, क्या बोलते हैं इसको? स्टॉप कोडॉन। जैसे स्टॉप कोडॉन आएगा वो वहां पे रुक जाएगा और वो अंत हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या बन गया? प्रोटीन। मैंने क्या बताया था? प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड, बराबर। तो ये सब अमीनो एसिड्स है ना, तो सब मिलके क्या बन जाएगा? बन गया प्रोटीन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलेशन। ध्यान से देख लो ट्रांसलेशन प्रोसेस को।